वेलकम बैक टू गाइज अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐप की, फोटो वीडियो मेकर, जो कि आप किसी भी फोटो, जैसे मान लीजिए आपके फोन में बहुत सारे फोटो हो या फैमिली फोटोज हो या आपने कुछ पार्टी वार्टी करी हो उन सब के फोटो हो, तो आप उसको वीडियो के रूप में कन्वर्ट करना चाहे, वीडियो बनाना चाहे, उस पर कुछ गाने लगाना चाहे, जस्ट लाइक टू भी आपको फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखने को मिल जाता है या यूट्यूब पे रील्स देखने को मिल जाता है, वैसा वीडियो बनाना। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है इस ऐप के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो ऐप है, इस ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, एंड 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो आप भी एक बार इस ऐप को जरूर आजमाएं और देखें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने फोटो के थ्रू अपने किसी भी गाने को लगा के आप एक अच्छा क्लिप बना सकते हैं, एक अच्छा रील्स बना सकते हैं। वीडियो पे चलने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी हम जो अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं, ये जो नॉलेज वाली वीडियो हम लेके आते हैं, उन सब का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप नॉलेज का उपयोग कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सबसे पहले फ़ोन के स्क्रीन पे। फ़ोन के स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है फ़ोटो वीडियो मेकर, एंड ये कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, तो या वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ऐड आया, ऐड कट कर दिया हमने, क्रिएट वीडियो पे जाएंगे, एंड क्रिएट वीडियो पे जाने के बाद जो ऐड आए दोस्तों, यहाँ पे ऐड ज़्यादा आएगा तो आपको उसको कट कर देना है, एंड यहाँ से जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं अपने व्हाट्सएप इमेज में जाता हूँ एंड कुछ कुछ फ़ोटो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये सारे फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हम इसको करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ऐड आए, इसको आप काट दीजिएगा एंड इसको यहाँ से सेलेक्ट ओके कर लीजिए, एंड ये देखिए यहाँ पे वीडियो आपका बन गया, लेकिन हमें यहाँ से म्यूज़िक चेंज करना है। तो हम जाएंगे एडिट में, यहाँ पे एडिट अ म्यूज़िक, ठीक, ऐड को हमने काट दिया। अब यहाँ से आपको जो कोई सा भी म्यूज़िक लगाना हो वो आप लगा सकते हैं, जैसे मैं सिंपली अभी एक म्यूज़िक लगाता हूँ, हनुमान जब चले ये वाला लगा देता हूँ, एंड इसको ऐड म्यूज़िक कर दिया, एंड अब देख लीजिए कि अब ये म्यूज़िक ऐड हो गया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट वैसे बज रहा है, 42 सेकंड का वीडियो है और ये सारे फ़ोटो के साथ चल रहा है। इसके अलावा हम एडिट इमेज पे जाते हैं, अगर यहाँ से अगर आपको कोई इमेज एडिट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही कोई इमेज एडिट कर सकते हैं या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, अब यहाँ पे ये देखिए साइड में स्लैश वाला है, ये आप फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से ये मूव होगा, ठीक है। ये देखिए थीम है, ये आपको जौन सा थीम चाहिए वो थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई सा भी थीम ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी थीम ले लीजिए। इसके अलावा ये यहाँ ये फ्रेम हो गया, आपको जो फ्रेम अच्छा लगे वो फ्रेम लगा सकते हैं, कोई सा भी फ्रेम लगा सकते हैं आप। तो हाँ, कैसे इसको इंस्टॉल करना है अब चलिए वो बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जाना है आपको अपने प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में हम जाते हैं, अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं वीडियो मेकर, ठीक है। वीडियो मेकर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए फ़ोटो वीडियो मेकर है, अभी इसको इंस्टॉल, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, ये तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसके बाद मैं चलिए आपको एक बार अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस पे जाता हूँ, इसके आप देख लीजिए रिव्यू, इसके 4.6 रिव्यू है, ठीक है, 24 MB का है ये, एंड इसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि बिकॉज ये किसी भी आप कोई सा भी फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो को चंद मिनटों में ये वीडियो में कन्वर्ट कर देता है और कोई से भी म्यूज़िक लगा देता है, जिसके थ्रू आप रील्स वगैरह बना सकते हैं एंड किसी भी प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।